हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का जो हमारा फोर्थ चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर की हम आज के इस वीडियो में शुरुआत करेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर पार्ट वन देखेंगे दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है वो देखेंगे दोस्तों। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोस देखेंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट दे रहा हूं कि इस चैप्टर में आपको कितने तरह के प्रॉब्लम्स रहेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स रहेंगे, 5 मार्क्स में कौन सा प्रॉब्लम पूछेगा, 10 मार्क्स में कौन सा प्रॉब्लम पूछेगा, वो डिटेल मैं समझा दूंगा दोस्तों। और कल की वीडियो से हम प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसे हमारे चैप्टर का नाम है दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर आप चैप्टर का मीनिंग समझ लिए तो समझ लिए आप आधा चैप्टर यहीं पे समझ गए दोस्तों। कैश फ्लो स्टेटमेंट में दोस्तों यहां पर आपको तीन वर्ड्स है, कैश एक है, फ्लो एक है और स्टेटमेंट है। इन तीनों को अलग अलग करके हम समझेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। पहला तो देख लीजिए दोस्तों, कैश क्या होता है। कैश यानी दोस्तों जो भी पैसा आपके बिजनेस में पड़ा है वो सारा कैश है दोस्तों। और जितने भी आपके कैश इक्विवेलेंट्स है वो सारे आपके कैश में आएंगे दोस्तों। अब सर आपके कैश इक्विवेलेंट क्या है? सर कैश इक्विवेलेंट दोस्तों यानी जो भी ऐसा पैसा जो आप इजीली 3 महीने के अंदर आपके कंपनी में कैश में कन्वर्ट कर सकते हो वो सारा कैश इक्विवेलेंट है दोस्तों। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके बैंक में पैसा पड़ा है वो आपका कैश ही है दोस्तों। उसके बाद जिसको आपने पैसा दिया है प्रोमिसरी नोट इशू करके, तो आप पैसा इजीली उसके से मांग सकते हो और वो पैसा आपको दे देगा दोस्तों। और कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट का पैसा इजिली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का पैसा आ गया, वो हो गया आपका कैश हो। और साथ ही साथ दोस्तों कहीं पर आपने डिपोजिट किया है, वो डिपोजिट का पैसा आपने कैश में कन्वर्ट कर दिया। सो ऐसे भी एग्जाम्पल जो आप इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो वो सारा आपका कैश रहेगा दोस्तों। ये हो गया हमारा कैश क्या होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों फ्लो है, फ्लो को साथ में जोड़ दीजिए, कैश फ्लो क्या होता है। कैश फ्लो यानी दोस्तों जितना भी पैसा आपके बिजनेस में आ रहा है जा रहा है वो सारा आप कैश फ्लो में रिकॉर्ड करते हो दोस्तों। और देखिए दोस्तों आगे स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है दोस्तों, यानी जितना पैसा आपके बिजनेस में लास्ट ईयर आया था, जितना पैसा आपके आपके बिजनेस में है, सो उन दोनों का डिफरेंस जो भी अमाउंट आएगा वो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हो दोस्तों। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके आपके बिजनेस में लास्ट ईयर 1 लाख रुपीस आए थे कैश था, और आपके साल अब प्रेजेंट ईयर में आपके साल 1,50,000 रुपए आपके पास कैश है। डिफरेंस कितना होगा? 50,000 का डिफरेंस होगा। ये 50,000 आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है दोस्तों। सो जो भी दो ट्रांजेक्शन के बीच में डिफरेंस अमाउंट लास्ट ईयर का और प्रेजेंट ईयर में डिफरेंस अमाउंट आता है वो जो आप बताते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बताते हो दोस्तों। समझ गए यहां पर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। यहां पर सिर्फ आप कैश ही रिकॉर्ड नहीं करते हो, लास्ट में तो आपको कैश कितना होगा वो आपको बताना होगा दोस्तों, लेकिन आपके यहां पर बहुत ही सारे एंट्रीज आएंगे। वो बहुत ही सारे एंट्रीज 3 टाइप्स में डिवाइडेड है दोस्तों, यानी सारे कैश फ्लोस आपके 3 टाइप्स में डिवाइडेड है दोस्तों। पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकेंड है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड थर्ड है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें आपके सारे ट्रांजेक्शन आएंगे दोस्तों। ट्रांजेक्शन जाके सारा जब आप टोटल करोगे तो आप लास्ट में लिखोगे कि कैश फ्लो लास्ट ईयर कितना था, अब कितना है, और आपका डिफरेंस क्या है वो आपको बताना होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं यह चैप्टर आपको सिर्फ आपको 2 वीडियोस में भी खत्म कर सकता था, एक आपको फॉर्मेट बता के, दूसरा आपको वीडियो बता के, लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी प्रॉब्लमेटिक पूछेगा दोस्तों। तीनों में से कौन से तो एक्टिविटी के ऊपर 5 मार्क्स का प्रॉब्लम कंपलसरी पूछेगा दोस्तों। तो सेपरेट हम वीडियो करेंगे, और लास्ट में 10 मार्क्स का प्रॉब्लम आपको तीनों एक्टिविटीज के ऊपर 10 मार्क्स का प्रॉब्लम पूछेगा दोस्तों, उसका भी फॉर्मेट और उसके ऊपर भी 2 वीडियोस देखेंगे दोस्तों। सो दोस्तों 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है। फर्स्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग यानी जितना भी आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में जितने भी आपके ऑपरेटिंग रिलेटेड काम कर रिलेटेड जितने भी इनकम एक्सपेंसेस होंगे वो सारे यहां पर आएंगे। यहां पर आपको सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड पढ़ना है दोस्तों, वो क्या होगा हम समझेंगे। सेकेंड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग यानी जहां पर आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे फिक्स्ड एसेट्स में, या तो फिर कह लीजिए आपका लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गए, वो सारे यहां पर आएंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सारे आपके शेयर्स के रिलेटेड, डिबेंचर्स के रिलेटेड सारे यहां पर वो आएंगे दोस्तों। सो तीनों एक्टिविटीज हम डिटेल में सेपरेट वीडियोस करेंगे दोस्तों। फर्स्ट वीडियो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ऊपर, फॉर्मेट प्लस 5 मार्क्स का प्रॉब्लम, इस पर भी सेम फॉर्मेट प्लस 5 मार्क्स का, फॉर्मेट प्लस 5 मार्क्स का, तीनों के ऊपर हम करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम 10 मार्क्स के प्रॉब्लम के लिए एक फॉर्मेट करेंगे, और एक या दो फिर 10 मार्क्स का प्रॉब्लम भी हम डिस्कस करके हमारा इस चैप्टर फिनिश कर देंगे दोस्तों। 5 या 6 वीडियो में हमारा इस चैप्टर हम फिनिश कर देंगे दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा सारा इंट्रोडक्शन दोस्तों। ये वीडियो में मैं आपको बता दिया हूं कि 5 मार्क्स में और 10 मार्क्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और हम डिटेल में कल के वीडियो से हम डिटेल कर देंगे दोस्तों।
सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। और एक बात, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस इस सब्जेक्ट की मिल जाएंगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।